भारत पहुंचे वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन, देश भर में जश्न का माहौल। पाकिस्तान के कब्जे में 60 घंटे रहे वायुसेना के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का देश ने शुक्रवार रात को लंबे इंतजार के बाद अपनी सरजमी पर अभिनंदन किया। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को संसद में ऐलान किया था कि शुक्रवार को अभिनंदन को भारत को सौंप दिया जाएगा, लेकिन शुक्रवार उनकी वापसी का इंतजार लंबा रहा। उन्हें शुक्रवार सुबह ही इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया था। शुरू में खबर आई कि पाकिस्तान 12 बजे के बाद अभिनंदन को भारतीय अधिकारियों को सौंप देगा। पाक मीडिया के मुताबिक इसे 2 बजे, 5 बजे और रात 8 बजे रिहा करने की बात कही गई। आखिरकार रात करीब 9:15 बजे उन्हें पाक रेंजर्स वाघा सीमा पर लेकर आए। उनके साथ इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात डिफेंस अटैची ग्रुप कैप्टन जॉन थॉमस कुरियन भी रहे। रिहाई से पहले बयान, पायलट अभिनंदन को छोड़ने से पहले पाकिस्तान ने उनका वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है। पाक मीडिया में वायरल मीडिया में कई कट हैं, जिससे स्पष्ट लगा है कि यह संपादित है। वायुसेना ने जताई खुशी। एयर वाइस मार्शल आरजी के कपूर ने वाघा सीमा में पत्रकारों से कहा कि प्रक्रिया के तहत अभिनंदन का दिल्ली में मेडिकल जांच कराई जाएगा, क्योंकि करीब 3 दिन तक पाकिस्तान की हिरासत में रहने के दौरान वे काफी तनाव से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना खुश है कि अभिनंदन की देश वापसी हो गई है। पाक ने युद्धबंदी बताया। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने पायलट अभिनंदन को लौटाने के कुछ मिनटों के बाद बयान जारी कर इसकी जानकारी दी, लेकिन पायलट अभिनंदन को युद्धबंदी बताते हुए कहा कि उनके कैद रखने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सम्मानजनक व्यवहार किया गया। अभिनंदन की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, आपका स्वागत है। पूरा देश आपकी वीरता से गौरवान्वित है। हमारी सेनाएं 130 करोड़ लोगों की प्रेरणा है। वंदे मातरम। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, आपका प्रताप, आत्मविश्वास और अदम्य साहस ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। आपकी वापसी का स्वागत और प्यार। टाइमलाइन 9:16 बजे रात, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाक रेंजर सीमा पर लेकर आए। 9:21 बजे रात, अभिनंदन पाक सीमा पर कर भारतीय सरजमी पर दाखिल हुए। 9:23 बजे रात, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पायलट की वापसी पर ट्वीट किया जय हिंद। 9:30 बजे रात, भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से अभिनंदन की वापसी की जानकारी दी।